नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कन्नौज शहर के देर शाम ताल ग्राम तिराग के पास भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के आवाज पर सपा समर्थकों ने अचानक घर में घुसकर हमला बोल दिया। उस समय अरुण कुमार साथ पार्टी के प्रचार में गई हुई थी। घर में केवल उनकी बहू, बेटा और पति मौजूद थे। युवकों को लाठी डंडे लेकर अंदर घुसते हुए देख किसी तरह बहू ने दरवाजे बंद कर लिए, तब कहीं जाकर जान बचाई। सूचना पाते प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फोटोज की जांच की, जिसमें पता चला कि पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं पवन यादव के और उसके साथी लाठी डंडे लेकर ईंट पत्थर लेकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अरुण कुमार साहब को तहरीर ले लिए। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ। क्या मामला था? मामला ये था, मेरा 2000 रुपए पीछे तुलसीपुर के यादव रहते हैं पवन यादव, उस पे चादर का 2000 रुपया था, तो बच्चों ने मांगा 2000 रुपया मेरा मुझे दे दो। इसी को लेके उनके यहाँ ऑल लेडी पर डे 20 लड़के इधर उधर से खुरापाती करके आते हैं, वो डेयरी में बैठते हैं, पर डे उनका बिजनेस है ये। लेकिन मैं कभी नहीं बोली, क्योंकि ये यादव हैं, कभी न कभी ये हमको सताएंगे, इसलिए मैं डरती रही, मैंने कोई कहीं बयान नहीं दिया। उसके बाद जब ये रुपया मांगे तो वो लोग जो 15-20 लड़के थे मेरे घर पे एकदम हावी हो गए। डर की वजह से मेरे घर पे बहू थी, मेरे पति चेयरमैन साहब थे, मेरा बेटा अंकित था, मेरा दूसरा बेटा अनुराग था और मेरे सारे पड़ोसी आ गए। अगर पड़ोसी अंदर बंद न कर दें तो वो लगता है जान से हम लोगों को मार दें। कौन लोग थे, कहाँ के थे ये सारे लोग? वो पवन यादव है, उसी की कस्टडी के थे दोस्त, पवन के सारे दोस्त थे, सारा सीसी कैमरा में है। मैं कुछ झूठ नहीं कहती हूँ, मेरी सीसी कैमरा को चेक कर लिया जाए, जिस तरह से उसमें फुटेज है उस फुटेज को पूरा चेक कर लिया जाए। अगर गेट टूट जाता तो हो सकता वो मेरे सारे परिवार को मार देते, और परिवार मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या लगता है आगे आपके साथ इंसाफ होगा या नहीं? मुझे तो लगता है मेरी भारतीय जनता पार्टी पूरी मेरे साथ खड़ी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। कहाँ गई हुई थी क्या? मैं बड़ेपुर थे बुद्ध विहार में, वहाँ पे लोग तो सभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के साथ थे जी। तभी हमारे घर से फोन गया कि जल्दी से आ जाइए, पवन ने घर पे हमला बोल दिया। तो मैंने सारी गाड़ियाँ अपने साथ की रोकी और तुरंत मैं बैक में हो आए। जब तक मेरे यहाँ पुलिस पहुँच गई और मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी मेरे साथ मेरे घर पे पहुँचे। किस समय की घटना है ये? समय मुझे निश्चित नहीं मालूम, लगभग 8-8:30 बजे का टाइम था। मैं जीतू तिवारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद कन्नौज का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं गुरसागर में रहता हूँ। अभी देव दर्शन का कार्यक्रम हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय सुब्रत पाठक जी के जो कन्नौज भ्रमण में और छिबरामऊ विधानसभा में चल रहे थे, उन्हीं के साथ में था। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे बड़े गांव में एक कार्यक्रम में आए थे, तो बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। उसी से हम लोग वापस जा रहे थे, परमपुर में कार्यक्रम था, तो रास्ते में मुझे पता चला कि हमारी जिला की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती राणा कुमार शाक्य जी के घर पर कुछ अराजक तत्वों ने, यादव समाज के थे, पवन कुमार यादव नाम बताया जा रहा है, उन लोगों ने उनके घर पर चढ़ाई कर दी, मारपीट की उनके परिवार वालों के साथ में, और लूटमार भी की है शायद, और उनके सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना आ चुकी है। इन्हें क्या लगता है ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इसको, इसके लिए लोग राजनीति खेल रहे हैं क्या है? नहीं, इसमें राजनीति खेलने क्या मतलब भाई, ये सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना दर्ज है, इसमें राजनीति। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने, हम लोग कोतवाली में मौजूद हैं, उनके खिलाफ जो भी अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, और पुलिस को मुझे पूर्ण विश्वास है। भाजपा अभिनेत्री का परिवारजन कोई घायल है? अब मुझे ये जानकारी नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई।